वीडियो अरे एक सेकेंड, कैसे बात कर रहे है ये? रुक जा अरे मालूम है, समझ गया क्या बोलना चाहता है, तो आप लोग भी समझ गए। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। दुनिया नहीं समझ में आएगा भाई, तू क्या बोलना चाहता है मैं बताता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन मैं करूँगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है आजकल की दुनिया। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लॉकडाउन ने सब लोगों की मार रखी है। और बात किया जाए उन मादर ज्योतों की जो कभी घर पर रहते ही नहीं थे, जैसे कि मैं, तो उन लोगों का तो जीना ही हराम हो गया है। तो इसलिए बैठे बैठे क्या करें, नहीं है कुछ काम, शुरू करते हैं भगचौती लेके इस भड़वे का नाम। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया, नहीं लेता भाई इसका नाम, छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ वो ये था कि कॉलेज वगैरह सब शुरू होने के बाद आपको गेट में एंटर करने से पहला आईडी कार्ड के पहला मास्क पूछेंगे, अलग बात है। और ये उन छात्र लोगों के लिए बहुत अच्छा है, उनमें मैं भी आता हूँ, जो अपने गर्लफ्रेंड को या दूसरे दोस्तों को दूसरे कॉलेज के अंदर घुसाते थे। थोड़ा आसान हो गया है, अच्छा है। तो आजकल की दुनिया में सबसे दूसरी आसान चीज़ हो जाएगी वो है प्लान कैंसिल करना। यदि आपको कहीं नहीं जाना है या शुरुआत से ही नहीं जाना था, बस ज़बरदस्ती हाँ बोलना पड़ा, तो आप ये बोलकर उसे कैंसिल कर सकते हो कि भाई मैं नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकता? अरे मेरे यहाँ पे दो केस बढ़ गए रे, तो मम्मी मना कर रही है, आई एम सॉरी। मेरा एक दोस्त है, ये तो पर्सनल बात है बट मैं बता रहा हूँ, साला भोसड़ी का रोज शाम को 6:30 बजे के बाद साइकिलिंग नहीं करता, उसके पहले करता है। मैं बोला क्यों? बोलता है अरे यार तेरे को पता है क्या, मेरे इधर है ना 6:30 बजे के बाद केस बढ़ जाते रे, तो मैं नहीं आ सकता। कहाँ से आया है ये लंदन? तो हाँ, आजकल की दुनिया में टीवाई को वैसे ही लगे पड़े हैं या पता नहीं क्या पड़े हैं, जैसे कि मैं भी टीवाई में हूँ या था, क्या पता। तो हाँ, सब कहते हैं अरे तुम लोग के तो एग्जाम ही नहीं हो अभी तक, हम लोग तो हो भी गए भाई प्रमोट, हम लोग के तो लेक्चर भी चालू हो गए, अब सुनो। अरे कम से कम हम लोगों ने कॉलेज लाइफ तो एंजॉय की, तुम्हारी तरह गांड गबा के बैठे नहीं है घर पे लैपटॉप के सामने, अरे यार लेक्चर नहीं बैठना, फोन से स्नैप खींचते हुए, ओ माय गॉड दिस स्टार्ट्स अगेन। थोड़ा शांत रह लो, कॉलेज देखा है कभी? अरे इस साल तो गई ही नहीं। तो अभी ऐसे लोग भी आते हैं जिनका माँ कसम लॉकडाउन से पहले ही दिल टूट गया, या तो उनकी लड़की ने धोखा दे दिया या उस मर्दाने रणवे ने धोखा दे दिया। तो जो भी है वैसे वर्षा वैसे हाँ, तो जो भी है, देखिए नाना आपकी पोजीशन समझ सकता है, कोई बात नहीं, आपने बहुत सारी परेशानियां झेली, कोशिश भी की, लेकिन अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई या जो भी सिचुएशन थी, कोई बात नहीं, आपके साथ बुरा हुआ है ठीक है, अच्छा भी होगा। एक चीज़ याद रखना, कर्मा इज अ बीच, ऊपर वाले की लाठी है, कब कैसे घुमाए क्या पता, आपका कटा है उनका भी कटेगा। सॉरी तो याद रखना, टाइम आएगा। तो चलो अभी हम बात करेंगे उन लोगों की, इट इंक्लूड्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, जिन लोगों ने घर पर लेटे लेटे अपने बुंड गरम करके ऐसे प्लान्स बना दिए कि हाँ लॉकडाउन खत्म हो गया तो वहाँ जाएंगे, अरे नहीं 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 वहाँ जाएंगे, आई कॉन्ट वेट फॉर दिस टू गेट ओवर, अब खोने आया है खत्म। तो अब जैसे ही पता चला तो ये खुश तो ज़रूर हुए, लेकिन फिर बाद में इनको सारे मैसेजेस आने लग गए, तो कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, जो भी है। तो इनका रिएक्शन ऐसे था, लड़के का, खास करके लड़कियों का। लॉल, तो आजकल की दुनिया में ऐसे हो गया है कि लोग अपने दोस्तों से ज्यादा ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि उन लोगों को ही नहीं पता कि वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, क्या मैस है ये। हाँ तो भाई, तो दूसरे लोगों की मेहनत, तो दूसरे लोगों की मेहनत से अच्छा अपने दोस्तों की मेहनत को देखो, अप्रिशिएट करो और उनको आगे बढ़ाओ यार, क्योंकि जब तुम्हारे साथ कुछ हादसा होगा या कुछ गलत होगा ना, तो वो तो नहीं आएंगे लेकिन शायद तुम्हारे दोस्त तो ज़रूर आएंगे, आई कैन बेट फॉर श्योर। खैर छोड़िए, तो कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वो बंदे का नाम था मुकुंद मिश्रा, लेकिन बाद में उसका नाम कुछ और ही था, मेरे को नहीं पता, जो भी था वो
तो वो वीडियो देख के लोग भाग गए। माँ कसम पूरी रात मैं बीटी में था। अगले दिन सोचा कि यार क्या करे, लेकिन चल ठीक है। बट जो भी उस बंदे ने बातें बोली वो असल में होता है भाई, लोग उस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। होता है कुछ लोगों को डर, नहीं कर सकते वो लोग बात। इसका मतलब ये नहीं तुम सिर्फ उनको उनके काम के हिसाब से ट्रीट करो कि हाँ भाई इसमें अच्छा है, कल अब गांड मरा ना, नहीं होता भाई बात करने। कुछ लोगों को रहो उनके साथ, हाँ अगर वो लोग अनकंफर्टेबल फील करा रहे जो भी है तो सीधा गांड मारो मुँह पे, लेकिन बेवजह फुकट का, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है या अच्छी जगह से नहीं आता वो, उस हिसाब से मत ट्रीट करो। मैंने भी देखा है, हमारे यहाँ भी होता है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ इसकी गारंटी दे सकता हूँ। नाना अच्छा है और नाना को उम्मीद है कि आप सब भी ऐसे ही अच्छे हैं। तो हाँ, तो फिर आजकल की दुनिया और जो ऐसे लोगों को परेशान करे छोटी उसकी दुनिया, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना कीजिए और लोगों को दुख ना पहुँचाए। ये मैं हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ, इनफैक्ट बोलता भी हूँ। क्या चूती जैसी बात कर रहे नाना, तो चलिए फिर खत्म करते हैं। नाना आप गांड मरा लो, बोल रहा हूँ मैं। अरे कसम इसको तो भूल ही गया, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। कब आएगी मेरी वीडियो, कब शुरू करूंगा मैं? ये मुझे फंसाया जा रहा है, स्कीम हो रही है मेरे साथ, क्या समझ रहा क्या मुझे, चूतिया हूँ क्या मैं? आई एम सनी। अरे माँ पता है तू सनी है, अरे तू मेरा राजा बेटा है। अच्छा बस कौन मना गया राजा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है यार, हर एक वीडियो में मुझे बोलता है मौका मिलेगा, कहाँ मिला? एक बंदा जिसे बात करने ना था उसे मौका मिल गया, उया उया करके चालू किया उसने वीडियो, क्या ये? मैं कसम खा के बोल रहा हूँ अगले वीडियो में ना, नाना देख लो ये लास्ट वन। लाभा मिल गया, अभी चुप भाई छोड़िए, इसको मैं देख लूंगा। चलो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ माँ कसम क्या बोला था भूल ही गया, नशे हो गए नाना को, अच्छा है ग्रीन छोड़ो। तो हाँ, तो फिर तब तक के लिए ध्यान रखिए और मरना नहीं मरवाना नहीं। टाटा।